सो भाई अभी बवाला हो गया। इसका जो कैप है, लेंस में कैप लगता है, वो मेरी जेब से गिरा और इस बेड के अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ से नीचे अंदर देख लिया, देखो फ्लैश लाइट जली है, इसके बाद भी नहीं दिख रहा है भाई। सांसे एकदम वो हो गई। अब मैं ऐसे देखता हूँ अभी भाई, अभी नहीं मिला तो फिर मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सारा लेंस पे दाग लग जाएगा, फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। चलो देखते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, पता चल जाएगा। पहले इसको बंद कर। ये गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी हो रहा है 8 बज रहा है, 8 बजे में हार्डली 5 मिनट बचा होगा, ऑलमोस्ट 8 मिनट बज ही चुका है। और हाँ, सुबह सुबह एक कहानी हो गई कल रात में भाई। ये जो ढक्कन है हमारा, ये नीचे गिर गया और ऐसा वहम टाइप का हो गया कि जैसे नीचे गिर गया तो जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कि बेड के नीचे चला गया, बट वो था कहाँ। पूरा बेड छान मारा, जो पूरा बेड है सब पूरा छान मारा और इसको पूरा इधर कर दिया था। वहाँ पे इतनी जगह, उसकी जितनी जगह दिख रही उसकी 3 गुना जगह हो गई थी, सब यहाँ पर कर दिया था। बाद में पता चला ये ढक्कन महाशय यहाँ पर ऐसे गिरे हुए, इस तरह से यहाँ पर गिरे हुए भाई। उसके बाद ऐसा पोपट हो गया, क्या बताऊँ। इस काम में 2 घंटे लगे क्योंकि इतना बड़ा बेड है, इसके अंदर सामान है हो ये सब भाई कल रात में हुआ। लेकिन कोई नहीं, उससे बड़ी बात ये हुई कि कल फिर अस्त व्यस्त हो गया तो इसके नीचे से धूल काफ़ी ज़्यादा निकली, तो उठा उठा के सब मम्मी ने साफ़ किया और लास्ट में मम्मी को एक जगह छोटा सा शॉक लगा, करंट लग गया। मेरा कुछ तार है इसके पीछे, जो मैंने अभी पीछे कर दिया, वो थोड़ा सा नंगा जैसा पड़ा हुआ था, नंगा जैसा नहीं पड़ा हुआ था, मतलब उसमें ऐसा अरेंजमेंट मैंने बनाया था पिन वाला, तो वो पिन निकल गई थी, तो पिन निकल जाती है तो करंट उसमें फिर वो हो जाता है। मम्मी सुबह सुबह कह रही क्या करके आया भाई तू, वहाँ पे करंट लग गया, मुझे जाके उसे सही कर, तो मैंने अभी सुबह से सही किया। तो आज मॉर्निंग कुछ ऐसा सीन हुआ। नहीं, करंट खा के कैसा नहीं लगा तुम्हें? अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा। पावर आ जाती शरीर में ऐसे एकदम से, है नहीं, एकदम से पावर आती। ओ माय गॉड, ये सुबह का हाल है। और ये क्या है पता है? ये ओस ओस नहीं, ये स्मॉग है, पोल्यूशन वाला भाई। इतनी गंदी है क्वालिटी, और ये आज ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, मतलब मैं बता रहा हूँ इस सीज़न का, लिटरली इस सीज़न का सबसे ज़्यादा भयंकर वाला है। ऐसे में कोई टहलने निकलेगा तो उसे फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सो गाइस वेलकम बैक, और जस्ट अभी नया दिन है और लास्ट वाला जो शॉट था वो लास्ट टाइम नाइट का था, उसके बाद मैंने उसे कंटिन्यू किया। और अभी अभी जस्ट मैंने मम्मी के साथ एक बढ़िया सी स्टोरी डाली है। हम दोनों का व्लॉग संदीप भट्ट व्लॉग अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो एक बार चैनल चेक करके देखो, व्लॉग डाल लें। तो जब से रेगुलर व्लॉग डाला तब से रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा। तो मम्मी के साथ दो मैंने स्टोरीज डाली, मम्मी पहली बार स्टोरीज में आई है, बहुत सारे लोग ने आज पहली बार देखा होगा स्टोरीज़ में। और वैसे जो व्लॉग्स है उसमें तो मम्मी देख को लोग देखते ही रहते हैं, आती रहती है मम्मी बीच में, अच्छा लगता है मम्मी के साथ व्लॉग बनाना। मम्मी के फ़ोन पर बात चल रही, मैंने उसे फिनिश कर लिया, थोड़ी देर में बाहर जाना मम्मी के साथ, मैं बात स्टोर पे जाना है, तो देखते हैं वहाँ का हो पाता है कि नहीं शूटिंग का कुछ। मम्मी की पूजा चल रही है, जल्दी से इसको खोलते हैं, चार्ज हो गया होगा, ये हमेशा चार्जिंग पे लगा रहता है, अब यहाँ पे ऑन हो गया। वैसे एक बात है इसमें, अरे ये तो पहले से ऑन है, कभी ये बंद रहेगा तो ऐसा लेट, जैसे मैंने इसकी खोली तो उसके 2-3 सेकंड बाद ही इसे ऑन करो तभी खुलता है, वरना धोखा दे देता है, दोबारा बटन दबाना पड़ता है। और इसमें ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बट ऐसा है तो है। बन गई चटनी। मम्मी जी मम्मी जी, मम्मी क्या कह रही है, बन गई चटनी। पहाड़ी में ऐसे गड़वाली बोलते हैं, बन गई। अरे वाह वाह वाह, क्या चटनी बनाई, तो उजाले में करो दिख नहीं रहा है। वाह वाह वाह, क्या चटनी बन गई, ये वैसे ही चटनी बन गई जैसे उस दिन मोटी मोटी थी। अच्छा, तो आज इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि 3 बज गया है और 3 बजे तक मम्मी ने खाना नहीं बनाया है। मम्मी हाँ भी देख रहे हो, तो मुझे दुनिया भर ये लो, ये तो अरे वीडियो बन रहा है, कम से कम आओ तो बताओ तो कुछ। नहीं तो इतने कपड़े, पूजा पाठ, चाय पानी सब, 3 बज गया, इसलिए मैं आज काम ज्यादा था। हाँ इसलिए हाँ टाइम, ओके हम तो कह ही रहे टाइम ज्यादा हो गया ना। सही बात है, क्या करें। तो मम्मी का कहना है कि टाइम सच में ज़्यादा हो गया, 3 बज गया और अभी आउटिंग है, बाहर भी जाना था किसी काम के लिए। हाँ। तो क्या लगता है अब तुम जाओगी? चलो जाएंगे, जाओ कहाँ पे? पास ही में, हार्डली कपूरथला, कपूरथला नहीं उस तरफ है बट 2 किलोमीटर, हार्डली 2 किलोमीटर दूर है। कितना है? जितना डंडैया है, डंडैया तो बहुत ही पास है, वो तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, उसका डबल कर दो 2 किलोमीटर। हाँ जहाँ पे जाना है वो बिल्कुल पास ही में है,
तो वहीं अभी मम्मी को जाना है। बस मम्मी का ये रहता है हर बार कि जैसे ही मतलब जाने का टाइम आता है, शाम को जाना है बोला, और जैसे ही जाने का टाइम आएगा तो उसका प्लान चेंज हो जाता है। तो वही पूछ रहा था कि मैं इस तरह का आज तो कोई प्लान नहीं तो नहीं है, फिलहाल कह रही है चल जाएंगे तो देखते हैं, अगर जाएंगे तो इस वीडियो में तो दिखाई दूंगा मैं कि जा रहे कि नहीं जा रहे। गेट पर दीदी खड़ी हुई है, वो छिपाओगे कि दिखाओगे? आ जा ये माइक है। हेलो नंबर वन, नंबर टू, हे हाई फाइव तो कर दो इसको। नंबर थ्री, गेट बंद करके आना ठीक है दी। तो सरप्राइज विजिट किया इन लोगों ने, मीट वन बंदर बंदरिया। सो मेको आओ हम लोग थोड़ा सा व्लॉग बनाते। सो ये मेकू है और इसको सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानता वो पीछे हिस्ट्री में जाके देख ले सब याद है कौन है। तो मिक्कू आज कई दिनों बाद आई है, अब वो आ रही मिक्कू की मम्मी। अरे कुछ तो हाय हाथ वाथ तो हिला दो कम से कम कैमरे के आगे। हमने देखा नहीं भाई। चलो आशीर्वाद ले लिया? हाँ ले ली। ले लिया तुमने? ये तो कैमरा शर्माते आती है। हाँ तुम्हारा तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू ऑन कैमरा। थैंक यू। मतलब ऐसा है कि कल जो बर्थडे था तो मैंने कल तो कर दिया था। सुनो हाँ सुनो। हाँ बोलो। इसको रख दो। अरे हाँ रख दूंगा लो। सो वी आर बैक अगेन, और आज इसमें जो है मैंने मिक्कू को बोला है कि भाई तुम स्टार्ट करो। हेलो गाइस, पूरा बोलो। अगर अगर जैसे तुम्हारा भी व्लॉग शुरू हो रहा है तो क्या बोलोगी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सुनो अच्छा सॉरी, चैनल भी सही है बट व्लॉग पर्सनल टच के लिए होता है। तो मिक्कू ने व्लॉग स्टार्ट करने की प्रैक्टिस पूरी है। एक बार फिर से बताओ, फिर से करो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ओके हाँ ये वाला बढ़िया। सो मिक्कू आज सुबह सुबह का मतलब दिन शाम को तो आई है, सुबह का और बोन फायर करने का मूड है, और डिपेंड करेगा चीज़ें कि आज का एटमॉस्फेयर कैसा है। और ऑलरेडी मैं अगर स्मॉग रहेगा, अगर स्मॉग, अगर आज गर्मी है ना और कल क्या बोलता है 5 को भी कल भी गर्मी थी, तो जो है अगर स्मॉग रहा तो फिर हम लोग बॉनफायर नहीं करेंगे। कल तो मम्मी का बर्थडे था, कल हम लोग को लग रहा था आग जलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ क्योंकि कल पूरा गर्म था, और आज के न्यूज़पेपर में भी आया था कि 27 डिग्री था कल का तापमान, मतलब पहली बार 12 साल में पहली बार जनवरी में ऐसा हुआ है। गाइस ओके गाइस, तो ये लोग घर जा रहे हैं तो अभी इनको जो विदा कर देते हैं। इसी के साथ इस व्लॉग का भी एंड कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन से ये व्लॉग चल रहा है, फाइनली व्लॉग का एंड हो रहा है। ओके अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।